हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम किसान की जो 12वीं किस्त है वो लेट क्यों हो रही है, इसके कारण भी जानेंगे और कब कब ये किस्तें डाली जाती है। तो आपको बता दें, जो पहली किस्त होती है आप यहाँ आप देख सकते हैं, जो पीएम किसान की मेन वेबसाइट है इस पर आने के बाद में आप मेन वेबसाइट पर कैसे आओगे यहाँ पर देख सकते हैं, pmkisan.gov.in जैसे गूगल के अंदर एंटर करोगे आप मेन वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। तो पहली किस्त की बात करें आप, पीरियड वन अप्रैल से जुलाई के अंदर डाली जाती है ये किस्त, ठीक है, जो डाल भी दी गई है 31 मई में, है ना। अब दूसरी किस्त की बात करें यहाँ पर हम, तो दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में डाली जाती है, तो इसका मतलब अभी जो चल रहा है सितंबर, तो 2 महीने निकल गए दूसरी किस्त में, मतलब दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में, तब भी गवर्नमेंट के पास में अभी भी 2 महीने है, तो इस 2 महीने के अंदर ये दूसरी किस्त डाली जानी चाहिए, है ना। लेकिन बीच बीच में खबरें क्या है कि निकल कर आती है कि 25 सितंबर को डाली जाएगी, 31 सितंबर को या 30 सितंबर को, ऐसे कुछ बीच बीच में खबरें निकल कर आती है। तो फिर से खबर निकल के आई है कि जो पीएम किसान की 12वीं किस्त है वो 30 सितंबर को डाल दी जाएगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, अभी भी उनके पास में 2 महीने का वक्त है। तो 30 सितंबर की जो है किस्त की तारीख निकल कर आ रही है अभी तो, लेकिन जरूरी नहीं है, नवंबर से पहले डाली जाती है तो हो सकता है 30 सितंबर को भी नहीं आए। आगे बात करें स्टेटस का, एक कारण और है क्यों कह रहा हूं मैं कि 30 सितंबर को आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, वो कारण जान लेते हैं क्यों कह रहा हूं मैं कि 30 सितंबर को क्यों आ सकती है और क्यों नहीं भी आ सकती। तो यहां पर जैसे बेनिफिशियरी स्टेटस पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो मैं एक चीज और समझा देता हूँ आपको यहाँ पर जो जरूरी है आपके लिए समझना, साइड थोड़ी सी हैंग हो रही है दोस्तों, है ना। और दोस्तों वीडियो सही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आइकन को दबा देना दोस्तों, है ना। चलो बेनिफिशियरी स्टेटस तो यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा है दोस्तों, ये आपको दूसरी चीज में यहाँ पे समझा देता हूँ एक और, कि जो 12वीं किस्त है वो लेट क्यों हो रही है। तो इसका कारण है दोस्तों कि जो फर्जी किसान है बहुत सारे जो इसके अंदर ऐड हो गए वो किस्तें पा रहे हैं, तो उनको क्या है कि धीरे धीरे हटा रही है हमारी गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पर 12वीं किस्त में देरी हो रही है। तो आप समझ चुके हैं कि उनको हटाने के कारण से 12वीं किस्त में देरी हो रही है, इसलिए आपकी 12वीं किस्त लेट हो रही है, ठीक है दोस्तों।